हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की मॉर्निंग हो रही है वैष्णो देवी से। सुबह रात को हम सो गए थे, अभी फिलहाल जा रहे हैं दर्शन करने। तो भाई काफ़ी अच्छा सा लग रहा है भाई, आज की सुबह हमारी वैष्णो देवी से हो रही है। फिलहाल सो के हो चुके हैं, मंजूर हो गया। तो भाई बारिश रात को 2 बजे से स्टार्ट हो गई थी, आज के दर्शन तो अभी बारिश हो रही है। ये देखो भाई, बारिश ही बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। वो सामने रोपवे लग रही है, रोपवे लगी हुई है। वो देखो ऊपर से गंडोला जो भी है, वो नीचे आ रहा है बॉक्स ही, एक नीचे से ऊपर गया, ये चेक करो। तो फिलहाल भाई हो चुके हैं रेडी, चलते दर्शन करने। और वो क्या थे दर्शन भाई, दर्शन करके तो वापस आ चुके हैं, एकदम अच्छे दर्शन हो गए। बाकी मामू आप वापस जा रहे हैं? वापस कहाँ जाना, अभी पैरों बाबा ने बुलाया। मैसेज किया या फोन किया था भाई? भाई मामू को भैरव बाबा मैसेज कर गए हुए फोन भी कि हमारे भी दर्शन कर लो। क्या मेरे को बुलाने आए सर को सपने में? मेरे बगैर मैं तो जी नहीं सकता। बाकी भाई कुछ खाते भी निकलते हैं। तो गाइस दर्शन वगैरह तो सब हो चुके थे। फिलहाल अब भैया आए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगी है बहुत ज़्यादा। फिलहाल ये कोई न्यू भोजनालय खुला हुआ है, सोचा यहाँ पे भाई खाना वगैरह खा लेते हैं। तो उसके बाद इसके अभी तक क्या सीन है, भैरव घाटी भी जाना है। बाकी भाई यहाँ की जो डेकोरेशन है वो एक नंबर है, जो आपने पीछे ब्लॉग्स में देखी हुई होगी, ये चेक करो। फिलहाल पूरी फैमिली वहाँ पर वेट कर रही है, चलते कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से ब्रो। सो भाई खाने में हम गए थे राजमा चावल, और ये है श्राइन बोर्ड का भोजनालय, यहाँ पे ऐसा ही खाना वगैरह मिलता है। तो सब लोग खा रहे हैं ये देखो। सो गाइस आप ये चेक कर सकते हो भाई, ये कितना खतरनाक डिज़ाइन है। अब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, पर भाई एक नंबर लग रहा है। अब ये चेक करो उस साइड भी है, ये देखो ब्रो एक नंबर। फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं वैष्णो देवी से दर्शन करके भैरव के लिए। तो फिलहाल दर्शन वगैरह सब एक नंबर हो गए, मज़े से खाना वगैरह भी खा लिया। तो फिलहाल निकलते हैं भैरव के लिए। और भाई बारिश हो रही थी रात से बहुत ज़्यादा, 2 बजे बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो फिलहाल अभी बारिश रुकी है कुछ देर के लिए, तो हमने सोचा दर्शन वगैरह कर लेते हैं। तो अब निकलते हैं भैरव के लिए, देखते हैं कैसे जाते हैं। वो रोपवे से जाते हैं, अगर उसमें ज़्यादा रश हो तो भाई फिर ये ऐसे पैदल ही जाएंगे। तो देखते जो भी रहता है आप देख लेना, लेकिन भाई कसम से कटरा की डेकोरेशन देखो ना, तुम लोग पागल हो जाओगे। भाई अंकल जी देखो कहाँ पे चढ़े होंगे, एक्चुअली रोप वे खराब हो गई तो ये ठीक करने के लिए वहाँ पे चढ़े होंगे। ये देखो ये रोप वे आई नीचे, अंकल वहाँ से देख रहे हैं मुझे कि भाई बहुत बेली कुछ बोल रहा है। ये देखो सो गाइस ये देखो, ये सब लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे घर बनाए। ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने इधर ये घर वगैरह बना लिए तो जब हमारी डेथ हो वहाँ पे घर वगैरह मिलेंगे। जो भी होता है मुझे नहीं पता, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ये चेक करो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वैष्णो देवी से ऊपर भैरव बाबा की तरह, कुछ ऐसा रास्ता है, ये चेक करो। क्या था लुतु? अच्छा तुझे क्या बोला उसने? हमने भी जाना है उसमें। कहाँ गई हो? नीचे गई, ऊपर नहीं गई है, ऊपर ऊपर नीचे गई है। हमने भी जाना है। अच्छा हमने जाना है उसमें, मेरी बात तो सुन, हमने जाना है उसमें। क्या अच्छा किसी दिन अभी तो किसको देख रही है? हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा, और टाइम हो चुका है दिन के 2:10 हम दो रहे, और भाई 12
सफारी स्टार्ट हो चुकी है भैरव में, ये चेक करो ये है सामने भैरव मंदिर, बाकी यहाँ से वैष्णो देवी और देवी। भाई देखो धुंध पड़ रही है लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये देखो बीच है धुंध के बीच, ये वैष्णो देवी है और यहीं से सीधे ऊपर भैरव है, ये चेक करो ऊपर भैरव, लेकिन बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है, बारिश में बहुत ज़्यादा, ये चेक करो सामने का आपको व्यू दिखाता भाई, लेकिन धुंध पड़ी है, क्या ही व्यू दिखाऊं। चलो मैं जाता हूँ आगे, उस साइड कुछ भी दिखा तो आप लोग बता देना कमेंट करके। तो बाकी भाई जो जो तुम लोगों में से वैष्णो देवी आया है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो भाई है नहीं कुछ, क्या दिखाऊँ मोन भाई, भैरव से निकल चुके हैं दर्शन वगैरह करके। तो भाई आज मिशु ने पिलाई है कॉफी, ये चेक करो, थैंक यू मिशु। तो फिलहाल जा रहे हैं अर्धकुंवारी के लिए, देखते हैं क्या सीन, क्या लूट के बर्बाद कर लिए 30 रुपए भैया, 30 रुपए की कॉफी भाई बोल रही है लूट के बर्बाद के लिए, हाथ दे यार, बर्बाद कर लिया मेरे को लूट बर्बाद भाई, भाई से प्यार इसको 30 रुपए, कोई नहीं ले लेना उधार निकले ना भाई। सो गाइस फिलहाल चलते चलते पहुंचे थोड़ा सा आगे और सामने का व्यू चेक करो ब्रो, ये देखो भाई ये नीचे हेलीपैड है और बाकी हम रात को आए थे इस वाले रास्ते से, आप नीचे देख सकते हो ये जो नीचे से रास्ता दिख रहा है आपको जहाँ पे थोड़ा सा ब्लू टीन है, रात को हम इस वाले रास्ते से आए थे। दो हेलीपैड है, एक ही साइड है, ये वाला वीआईपी है और ये वाला कमर्शियल है, तो ये वाला बाकी वही सामने का व्यू ये। और ये तू मेरी बहन ही आशीर्वाद, ठीक है दर नहीं आना तो नहीं ना आना मेरे दर, फिर क्या होगा। सो गाइस ये आप देख सकते हो कि रास्ते इनने कैसे बनाए हुए हैं, नीचे पूरी खाई खाई है भाई, ये देखो और ये देखो रास्ते कैसे बनाए हुए हैं नीचे भाई, बंदा देखे तो डर लगता है, नीचे खाई पूरी खाई पूरी खाई भाई। इस लड़की के ड्रामे देखो, सब चले गए, वो आगे बुझी और चले गए, हम भी जा रहे हैं, ये लड़की नहीं आ रही है, ये देखो किसी को अगर अडॉप्ट करनी है तो बोलो ले जाओ इसको। पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं आया दर्शन का, देखते रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं सर, देखते क्या है। बाकी भाई आप यहाँ पे अभी भी क्राउड चेक कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, ये देखो ब्रो कितना सुंदर लग रहा है, बारिश अभी भी हो रही है लेकिन लोग देखो। हमारे अर्धकुंवारी में दर्शन करे तो हुए नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और हमारा नंबर कल तक भी नहीं आना था, मैंने कंफर्म किया वहाँ के मैनेजमेंट उनसे, तो भाई इसलिए तो 3 एग्जाम भी है तो सोचा हम वापिस ही रहे, तो वापिस जाना था जिसने एक बार वहाँ पे दर्शन किया हो उसको दोबारा करने के लिए यही रीजन था, तो फिलहाल वापिस के लिए और शुक्र है हमने दर्शन कर लिया, वरना आज बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज आई थी राजा ने एक तो सही है इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है बहुत ज्यादा, क्या देख सकते हो भाई चलने का रास्ता मिल रहा है। हम पहुंच चुके हैं एग्जिट पॉइंट पर, हमें जो है अपना ये जो RFID वाला कार्ड है इसको डालना पड़ता है हमें यहाँ पे, ये भाई ये हमने डाल दिया इसमें, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस। तो बाकी ब्रो सो गाइस हम पहुंच चुके हैं वापस बाण गंगा चेक पोस्ट, हमने वापस अलग क्रॉस कर लिया है तो हम दर्शन करके आ गए, तो इसके साथ हमारी जो यात्रा है वो होती है यहीं पे खत्म। तो कैसी लगी तुम दोनों को यात्रा फिर? तो भाई बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, आपको मैंने जैकेट खोल दिया था क्योंकि थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो बाकी कुछ और भी आ रहे हैं, यात्रा तो खत्म होगी भाई,
मदर रानी हमें दोबारा बुलाना, बहुत अच्छे से यात्रा वगैरह होती है। अब देखते हैं जम्मू जाते हैं, जो भी जाते हैं ब्लॉग में देख रहे हैं। आ चुकी है अपनी गाड़ी और इसको देखूंगा दो तीन दिन के बाद। ये शराज भाई पता नहीं गाड़ी कैसे चलाते भाई, आवाज़ फुल रखे, ये चक्कर हो, ये देखो। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है भाई? आप खाना खा लेते फिर चलते। सो फाइनली गाइस पहुंच चुका हूँ घर और थक भी चुका हूँ भाई बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो दो दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इस ब्लॉग को करूँगा यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया, पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी किसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।